हेलो गाइस, आज हम लॉ रिलेटेड वोकैबुलरी लेकर आए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ आफ्टर वॉचिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अर चैनल। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। कमिट डकैती, देखिए इसका मतलब होता है डकैती करना। आप कमिट को थेफ्ट के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे कहना हो चोरी करना कमिट थेफ्ट, या लूट मार करना कमिट रॉबरी। ठीक है, अगर हमने कहना है अपराध करना तो कमिट ऑफेंस। अगर आपको डकैती रॉबरी या कह सकते हैं थेफ्ट में बीच में डिफरेंस नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लॉ की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आपको इनके डिफरेंस के बारे में पता चल जाएगा। सेंटेंस देख लेते हैं। दे असेंबल्ड फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग डकैती, वो डकैती करने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए। फॉर द पर्पज ऑफ का मतलब होता है कि इरादे से, या कह सकते हैं कि उद्देश्य से। रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सख्त कैद। यू विल गेट रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर दिस क्राइम, तुझे इस अपराध के लिए सख्त कैद की सजा मिलेगी। मेम, अपंग कर देना, देखिए इसका मतलब होता है किसी की बॉडी के पार्ट को परमानेंटली डैमेज कर देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसकी सजा मिलती है। यू हैव मेम्ड दिस कैटल, तूने इस पशु को अपंग कर दिया है। हाउस ट्रेसपास, गृह अतिचार, देखिए इसका मतलब होता है कि जब हम किसी के घर में इलीगली घुसकर उसको अनॉय करते हैं, परेशान करते हैं, या उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उसे कहते हैं हाउस ट्रेसपास। दूसरा है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, देखिए जब हम किसी के घर में इलीगली छिप कर जाते हैं, या चोरी छिपे घुसते हैं तो उसे कहते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास। यू कमिटेड ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास यस्टरडे, तूने कल हाउस ट्रेसपास का अपराध किया। कंपाउंडेबल ऑफेंस, समझौता करने योग्य अपराध, या कह सकते हैं शमनीय अपराध। देखिए जिन अपराधों में हम समझौता कर सकते हैं और समझौते से हल कर सकते हैं उन्हें कहते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। दूसरा होता है जिनमें हम समझौता नहीं कर सकते, वो होते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। देखिए जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक हम समझौता कर सकते हैं कोर्ट की परमिशन के बिना, और दूसरा हमें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है समझौता करने के लिए। सेंटेंस है इट्स अ कंपाउंडेबल ऑफेंस, यह एक समझौता करने योग्य अपराध है, या कह सकते हैं शमनीय अपराध है। फ्रॉडुलेंटली, बेईमानी से। यू फ्रॉडुलेंटली अफिक्स्ड योर डिजिटल सिग्नेचर ऑन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तूने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर बेईमानी से अपने डिजिटल सिग्नेचर जोड़े, या कह सकते हैं लगाए। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब होता है जो आजकल हम कंप्यूटर पर रिकॉर्ड रखते हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। विद इंटेंट टू, के इरादे से। यू मेड फॉल्स डॉक्यूमेंट्स विद इंटेंट टू कॉज डैमेज टू योर नेबर, तूने अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नकली दस्तावेज बनाए। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स होता है नकली कह सकते हैं, और कॉज डैमेज होता है नुकसान करना। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। यू मेड काउंटरफिट सील विद इंटेंट टू कमिट फॉर्जरी, तूने जालसाजी करने के इरादे से नकली मोहर बनाई। काउंटरफेट का मतलब होता है नकली, और फॉर्जरी का मतलब होता है कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी करते हैं और पैसे के लेन देन में गड़बड़ी करते हैं तो उसे कहते हैं फॉर्जरी। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, चित्त विकृति, देखिए इसका मतलब होता है कि जब माइंड स्वास्थ्य ना हो, या कह सकते हैं जिसके माइंड का संतुलन बिगड़ा हुआ हो। ही कमिटेड दिस क्राइम बाई रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उसने चित्त विकृति के कारण इस अपराध को किया। बाई रीजन ऑफ का मतलब होता है के कारण से। फॉर्जरी, जालसाजी, या कह सकते हैं कूट रचना। देखिए फॉर्जरी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब किसी डॉक्यूमेंट्स में या दस्तावेजों में गड़बड़ी की जाती है चीटिंग करने के इरादे से, या कह सकते हैं किसी पैसे के लेन देन में
गड़बड़ी की जाए तो उसे कहते हैं फॉर्जरी। सेंटेंस देख लेते हैं, ही कमिटेड फॉर्जरी टू सपोर्ट हिज क्लेम। उसने अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए जालसाजी की, या कह सकते हैं कूट रचना की। दूसरा सेंटेंस है, द केस ऑफ फॉर्जरी हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। जालसाजी का केस उसके खिलाफ रजिस्टर कर लिया गया है, या कह सकते हैं दर्ज कर लिया गया है। स्क्रैच आउट, रगड़ कर मिटा देना। यू डिसऑनेस्टली स्क्रैच आउट योर ब्रदर्स नेम फ्रॉम योर फादर्स विल। तूने बेईमानी से अपने पिता की वसीयत से अपने ब्रदर के नेम को मिटा दिया। काउंटरफिट करेंसी, नकली करेंसी। यू हैव यूज्ड काउंटरफिट करेंसी नोट्स एज जेन्युइन। तूने नकली करेंसी नोट्स को असली के तौर पर इस्तेमाल किया है। रिजेंबलिंग, मिलता जुलता। यू कांट मेक द डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स। तुम करेंसी नोट्स से मिलते जुलते डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकते, या कह सकते हैं दस्तावेज नहीं बना सकते। लेगेटी, वसीयतदार। रोहित इंटेंशनली रोट डाउन अ डिफरेंट लेगेटीज नेम। रोहित ने जानबूझकर किसी और वसीयतदार का नेम लिखा। देखिए, जहाँ पर इसका मतलब है कि रोहित को किसी और का नेम लिखने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने बेईमानी करने के इरादे से किसी और का नाम लिखा। रोट डाउन या राइट डाउन का मतलब होता है जब हम किसी पेपर पर लिखते हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं राइट डाउन। दूसरा सेंटेंस है, हिज सिस्टर नताशा वॉज हिज प्रिंसिपल लेगेटी। उसकी बहन नताशा उसकी मुख्य वसीयतदार थी। इंड्यूस, राजी करना, प्रेरित करना, या कह सकते हैं उकसाना। ही इंड्यूस्ड हिम टू साइन द विल। उसने उसे वसीयत पर साइन करने के लिए उकसाया, या कह सकते हैं प्रेरित किया। इंसर्ट द सम, राशि डालना, या कह सकते हैं कोई अमाउंट डालना। ही फ्रॉडुलेंटली फिल्ड अप द चेक बाय इंसर्टिंग द सम ऑफ 50,000 रुपीज़। उसने 50,000 की राशि को बेईमानी से डालकर चेक को भरा। इसका मतलब ये हुआ कि उसने चेक में 50,000 रुपीज़ बेईमानी से भरे। टेम्पर विद, छेड़खानी करना। देखिए, जब हम किसी चीज़ के साथ, जैसे डॉक्यूमेंट्स के साथ यानी कि दस्तावेज़ों के साथ, या इलेक्शन वोटिंग मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है या कोई डिवाइस है, उसके साथ छेड़खानी करते हैं तो वहाँ पर हम टेम्पर लगाएंगे। अगर किसी इंसान के साथ, जैसे लड़कियों के साथ कोई छेड़खानी होती है या वुमेन के साथ होती है, तो उसे कहते हैं मोलेस्ट। अगर आप वुमेन रिलेटेड और वर्ड्स जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वुमेन रिलेटेड वोकैबुलरी की वीडियो देख सकते हैं। सेंटेंस है, ही टेम्पर्ड विद द डॉक्यूमेंट्स। उसने दस्तावेजों के साथ छेड़खानी की। डिक्टेट, लिखवाना। ही डिक्टेटेड हिज विल टू हरमन। उसने हरमन को अपनी वसीयत लिखवाई। कहने का मतलब क्या है कि हरमन ने वसीयत लिखी। मिसअप्रोप्रिएट, गबन करना। कहने का मतलब होता है कि जब हम किसी पैसे का गपला करते हैं तो उसे कहते हैं गबन करना। ही डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटेड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। उसने चल संपत्ति का बेईमानी से गबन किया। देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो चल संपत्ति होती है, जिसे हम जो आ जा सकते हैं, जैसे कोई कार होती है या ट्रक होता है, उसे क्या कहते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी। एक होती है इमूवेबल, IMMOVABLE, अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती, जैसे हमारा घर है वो क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जो हमारी कार होती है, जो व्हीकल कोई भी हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, वो क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। हश अप, रफा दफा करना। ही ट्राइड टू हश अप द मैटर। उसने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। पोजेशन, कब्जा। यू आर नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू सच पोजेशन।
तुम कानूनी तौर पर ऐसे कब्जे के हकदार नहीं हो। इंटाइटल्ड टू का मतलब होता है हकदार होना। कंसीलमेंट, छुपाव या कह सकते हैं कि किसी चीज़ को छुपा कर रखना। ही असिस्टेड हिम इन कंसीलमेंट ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी। उसने चोरी की संपत्ति को छिपाने में उसका सहयोग किया। अल्टर बदलना, क्या कह सकते हैं चेंज करना। यू आर अक्यूज्ड ऑफ अल्टरिंग द डॉक्यूमेंट्स। तुम दस्तावेजों को बदलने के मुलजिम हो। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।